ये देख रहे हो, ये देखो भाई, गाइज फिलहाल ना मतलब जन्माष्टमी के लिए निकल ही रहे थे जस्ट, अभी देखो पूरा आपका भाई रेडी है और अभी दिखाता हूँ क्या हुआ है। ये देख रहे हो, ये देखो भाई, जबरदस्त बारिश शुरू हो चुकी है भाई, जबरदस्त बारिश भाई। फाइनली निकल चुके हैं बरसात में, क्योंकि अब ऑलमोस्ट खुल चुका है ऊपर वेदर, थोड़ी बहुत वो ड्रिजलिंग हो रही है और वो भी बंद हो जाएगी। सो गाइज जैसा कि आपको पता है, फिलहाल हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल दिल्ली और ओखला NSIC, ये वाला नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। अगर आप बाय मेट्रो यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 40-50 रुपए में आप रिक्शा करके सीधा पहुँच सकते हैं इस्कॉन टेम्पल। सो जी फिलहाल मेन गेट पर पहुँच चुके हैं इस्कॉन की एंट्री के, अब चलते हैं आगे। ओ माय गॉड भाई, देख रहे हो क्या भयंकर भीड़ है भाई, वो आगे जो लाइट्स दिख रही है ना वहाँ पर है गेट 1, नहीं जा पाएंगे भाई, बहुत भीड़ है। तो भाई फाइनली इस्कॉन मंदिर के सामने राधा कृष्ण मंदिर, तो वहीं पर आ गए हैं और अब चल रहे हैं अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने यहाँ पर। ये देखो जी, ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, राधे कृष्णा। और यहीं पर है जी हमारे शंकर भगवान की प्रतिमा और गणेश भगवान की, और ये है जी पंडाल जहाँ पर लीला होगी जी, माखन चोरी लीला। और ये देखो जी, ये आ गई हमारी दुर्गा माता और अब है जी हनुमान जी के दर्शन। सो भाई आपने खुद ही देखा अभी, आप देख सकते हो भाई जो बैरिकेड है ये सेकंड बैरिकेड है, जो फर्स्ट बैरिकेड है वो कितना ज़्यादा आ गया और उससे पहले कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो भाई प्लान ड्रॉप्ड, और आज के लिए भाई प्लान किया था कि इस्कॉन टेंपल विजिट करेंगे, मतलब जो 2-3 मेन टेंपल्स हैं ना, इस्कॉन टेंपल, लक्ष्मी नारायण टेंपल है ना, और दूसरा श्री कृष्ण धाम, इन तीनों टेंपल्स में विजिट करना था। बट इस्कॉन टेंपल अपना सबसे पहले नंबर पर था, उसके लिए जल्दी भी निकले थे बट भाई फ्लॉप हो गया भाई, इतने ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा, अगर मैं वहाँ पर रुका रहता ना तो शायद बस आज यही मुश्किल से दर्शन हो पाते इस्कॉन टेंपल पे ही। सो भाई इस्कॉन टेंपल के साथ ही है श्री राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर तो दर्शन हो गए, लकीली एकदम नंबर आ गया, तो वो दर्शन मैं आपको करा चुका हूँ और एटलीस्ट एक टेम्पल अपना कवर होता हुआ। तो अब चल रहे हैं आगे श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल की तरफ। सो गाइज फिलहाल पहुंच चुके हैं सिद्धाता आश्रम, बिल्कुल नियर बाय है मंदिर के, और देख सकते हो जी क्या ही सुंदर सजावट कर रखी है। अब फिलहाल पार्किंग देखते हैं भाई। सो जी सामने है मंदिर, चलते हैं। सो जी जल सुविधा देखते हुए मंदिर की एंट्रेंस में ही, और इसी के साथ आगे चलते हैं भाई, क्या ही भव्य सुंदर सजावट करी हुई है, जबरदस्त भाई। और अब इसी के साथ मंदिर में चलते हैं। ये लो जी अंदर एंट्री करते के साथ ही भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के साथ झांकी देख सकते हैं जी, अलग अलग बच्चे झांकियों में भाग लेते हैं जी और अलग अलग रूप धारण करके यहां पर झांकियों की शोभा बढ़ाते हैं, देख सकते हो जी भगवान शंकर के रूप में। ये देखो जी कैलाश पर्वत की झांकी, और अब आगे चलते हैं जी, बहुत ही बढ़िया देख सकते हो, बहुत ही उत्तम सजावट है, एकदम दिवाली जैसी लग रही है। और ये आप अंदर आती पूरे मंदिर को आप ध्यान से देखिए जी, क्या ही सुंदर रूप है, कितना विशाल मंदिर है ये वाला यहाँ पर श्री सिद्धाता आश्रम का। अब चलते हैं जी आगे झांकियों की तरफ, और ये जो श्रद्धालु आपको यहाँ बैठे हुए दिख रहे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं जी, दर्शन कर चुके हैं, और फिलहाल ये आगे जी अपने सामने पहली झांकी, और ये झांकी है जी कृष्ण भगवान गौपालन कर रहे हैं सभी के साथ, ग्वालों के साथ। और इसी से आगे चलते हैं तो जी ये नंद बाबा की झांकी, जो नंद बाबा कृष्ण भगवान को लेके यमुना क्रॉस कर रहे हैं वो वाली झांकी है जी। और इसी के बाद और आगे चले तो ये देखो जी कृष्ण भगवान कालिया नाग का वध करने से पहले ये उसके ऊपर मुरली बजाते हुए उसके फन पे खड़े होके। और अब जी आगे चलते हैं, ये देखो जी ये दोबारा से ये एक गौपालन की झांकी है जी, कृष्ण भगवान मुरली बजाते हुए गौपालन के समय। और ये आगे चलते हैं तो जी ये देख सकते हो जी ये महाभारत वाली झांकी, जो कृष्ण भगवान पूरा रथ संभाले हुए थे अर्जुन का। और इसी के साथ जी अब चलते हैं ऊपर,
मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं जी। बिल्कुल ऊपर थोड़ा सा आके अब दर्शन होंगे जी। ये देखो जी, गणपति गणेश जी महाराज के दर्शन सबसे पहले, इसी के साथ हमारे भोले बाबा के दर्शन है। फिर आगे की तरफ चलोगे तो जी देखो कितना बड़ा विशाल हॉल है। ये देखो जी, ये दर्शन होते हुए, और ये देखो जी श्री राधे कृष्णा, ये जी श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी माता, और ये जी श्री राम लक्ष्मण सीता माता जी, और ये दुर्गा माता जी, और ये देख सकते हो जी क्या ही सुंदर नज़ारा पूरे मंदिर का। ये बजरंग बली जी, और अब भाई बहुत जल्दी जल्दी में ना दर्शन होते हैं, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते क्योंकि भीड़ काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी में ही दर्शन हमें भी हुए, आपको भी कराएं। सो गाइस, फिलहाल वापस घर पहुंच चुके हैं भाई, और ना काफ़ी ज़्यादा यार लेट हो गया भाई। एग्जैक्टली ना मतलब सही बोलूं तो ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास अभी हो रहे हैं, और अभी इसी के बाद एक मंदिर में और अपने को जाना था, बट श्री कृष्ण धाम, बट वहां पर फिर यार ड्रॉप करना पड़ा प्लान, क्योंकि रीज़न बीइंग यही है कि यार ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता, कल अपने को वापस ऑफिस वगैरह भी निकलना है, और फिर अभी तो यार ब्लॉग एडिट वगैरह भी करना है, थंबनेल डालना है, टाइटल डालना है, बहुत सारी चीज़ें रह रही थी पेंडिंग। और इसके बाद एक मेन रीज़न ये भी था कि यार लगभग जो चीज़ अपने को हाईलाइट करनी थी ना वो अपने को मिली गई भाई। सिद्धार्थ आश्रम में काफ़ी अच्छी सजावट थी, काफ़ी मज़ा आया वहाँ पर सिद्धार्थ आश्रम में ना, और इस्कॉन में भी डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आने वाला था, बट यार बात यही थी कि यार वहाँ पर जाना हो ही नहीं पाया ड्यू टू क्राउड। आपने खुद ही देखा कितना ज़बरदस्त क्राउड था भाई वहाँ पे इस्कॉन में, बहुत ज़बरदस्त भाई। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वृंदावन में जो मेन बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर कैसा क्राउड होगा भाई आज। मुझे तो लग रहा भाई इतना ज़्यादा क्राउड होगा ना कि क्या ही बोलूँ भाई। सो जी, भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी यार हर साल ना इतने हर्ष और उल्लास से अपने देश के अंदर मनाई जाती है ना, और भाई इतना मज़ा आता है ना, लिटरली इतना मज़ा आता है कि मन ही नहीं करता कि जन्माष्टमी का फेस्टिवल ख़त्म होना चाहिए। मतलब पूरा दिन निकल जाता है, पूरी शाम हो जाती है, सारे मंदिर सजे होते हैं, एकदम दिवाली जैसा माहौल होता है, एकदम दिवाली जैसी रौनक होती है, बहुत ही बढ़िया यार मज़ा आ जाता है। और इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों ना नेक्स्ट जन्माष्टमी कुछ अच्छा, कुछ बड़ा प्लान किया जाए, तो देखते हैं, अभी तो बहुत दूर है फिलहाल के लिए। बट बाकी आपको एक चीज़ का और अपडेट है, वो मैं कल वाले व्लॉग में, कल भी नहीं यार, अभी आप कल तो यही वाला व्लॉग देखोगे, मतलब कल वाले शूट में हम डिक्लेयर करेंगे, वो व्लॉग शायद आपके पास 2 दिन बाद आए, क्योंकि इसके बाद भी एक हमने व्लॉग शूट करा हुआ है, वो भी काफ़ी स्पेशल है, श्री जगन्नाथ जी के टेंपल का, जो कि फरीदाबाद में ही है। और मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला जो व्लॉग है ना, ये वाला व्लॉग और उसके बाद वो जो व्लॉग आएगा, उसके बाद जो व्लॉग आना ना, उसके अंदर उसमें हम डिस्क्लोज करें या फिर और थोड़ा सा उसको आगे डिले करें। रीज़न है उसके पीछे ये कि अभी जस्ट ना प्लानिंग हुई है, मतलब फाइनल नहीं हुआ है भाई, और फाइनल होने में लगभग यू नो एक वीक के आसपास का टाइम लगेगा, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ को फाइनल करने के लिए ना उस पर रिसर्च करनी पड़ती है, और वो रिसर्च करने के लिए ना अभी अपने को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा भाई। रिसर्च सिंपली इंटरनेट की रिसर्च नहीं है, थोड़ा सा काम अपने को करना पड़ेगा। तो चलिए जी, करते हैं इस वाले ब्लॉग को फिर यहीं पर एंड, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक, चैनल पर अगर नहीं हो गाइस तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, और मिलते हैं दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग में। टिल देन स्माइल।